स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो हमारे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम पढ़ रहे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है, वो है क्या, पोटेंशियोमीटर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, हकीकत क्या है पोटेंशियोमीटर के पीछे, रियलिटी क्या है। हम लोग आमतौर पर जो बोलते हैं पोटेंशियोमीटर और जितना भी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक और जिसके बारे में हमने जाना है, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर, इन सब के आगे क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर भी क्या है बच्चों, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ, पोटेंशियोमीटर। आइए हम हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग हमारा क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है इस पोटेंशियोमीटर का। आइए पहले हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद हम फिर उसके आगे बात करते हैं कि क्या होता है पोटेंशियोमीटर और क्या है पोटेंशियोमीटर का यूज और पोटेंशियोमीटर को हम कैसे आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है हम इसको जानेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको फिर से लिखता हूं, इसलिए देखिए पोटेंशियोमीटर, दो वर्ड में है पोटेंशियो और यहाँ मीटर। पोटेंशियो से आपको पता ही चल रहा है कि क्या है, पोटेंशियल, और बहुत सी बुक में पोटेंशियल को, हाँ पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पर अगर हम सेल के कंपेरिजन में लेंगे, सेल को कंसीडरेशन करके लेंगे तो क्या होगा, ये ईएमएफ है, राइट। और यहाँ मीटर मतलब, मीटर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर होगा मेजरमेंट, मीटर का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट। और क्योंकि हम जो है जिस चीज के बारे में पढ़े हैं, चाहे वो एमीटर के बारे में पढ़े हो या गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़े हो या वोल्टमीटर के बारे में पढ़े हो, ये पढ़े हैं कि ये सभी चीजें क्या है, डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन याद रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर कोई डिवाइस नहीं है, बुक में लिखता है कि इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल चार्ज एज ईएमएफ ऑफ ए सेल। हाँ, किसी सेल के ईएमएफ को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ को कंपैरिजन करेंगे और टोटल इंटरनल जो है वो रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, डिवाइस नहीं है, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। पोटेंशियोमीटर एक क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत से वायर्स को क्या करते हैं, राउंडली क्या करते हैं, हाँ टर्न करके हम क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं और उस तरह पर हम क्या करते हैं, ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए हमने मीटर ब्रिज भी पढ़ा था, वहां पर देखे थे क्या कि दो टर्मिनल के बीच, जो दो स्ट्रिप्स के बीच एक मीटर का डिस्टेंस था और उसी के बीच हम मैग्नीन और कॉन्सेंटन के वायर पर क्या करते थे, करंट को पास करते थे जिसे जॉकी मूव करने लगता था, राइट। वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एक टर्मिनल है और यहाँ पर हमारा एक कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर का एक स्ट्रिप यहाँ पर है और दूसरा कॉपर का स्ट्रिप यहाँ पर है, फिर तीसरा कॉपर का स्ट्रिप क्या है यहाँ पर है, राइट, और फिर चौथा इसी तरह से यहाँ पर है और पांचवा जो है, और क्या करते हैं इसी तरह से बढ़ाते चलेंगे हम, इसको क्या मान लें बाबू, हम इसको बच्चों टर्मिनल मान लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वायर क्या है, वायर क्या है, एक एक मीटर के डिस्टेंस पर क्या अरेंज किया गया है, यहाँ से यहाँ तक का एक मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर मीटर स्केल लगा होगा, राइट। आप डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैं ये थोड़ा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हकीकत क्या मैं इसको फिर से बताऊंगा। यहाँ से यहाँ एक वायर ऐसे कनेक्ट किया है, यहाँ से यह वायर कनेक्ट किया हुआ और यहाँ से यह वायर कनेक्ट किया हुआ और इसे किसी सोर्स से जोड़ दिया गया है, इसको किसी सोर्स से जोड़ दिया गया, सोर्स ऐसा होगा, यहाँ पे एक सेल लगी हुई है, यहाँ पर हमारा एक रियो स्टेट लगा देते हैं, रियो स्टेट लगा देते हैं और यहाँ पर एक चीज लगा देते हैं और इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 इसी तरह से वायर को कनेक्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या ये हमारा क्या ऑक्सिलरी सेल है, सोर्स है, ये हमारा
हमारा ये क्या है, वीओ स्टेट है और ये हमारा की है और इसको जोड़ दिया गया इसी तरह से और ये हमारा पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट आ गया। तो बहुत से बुक में इसको क्या लिखता है, इट इज अ डिवाइस। याद रखिएगा ये डिवाइस नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, इसी तरह का अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट को क्या करते हैं हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, इससे ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं हम इससे ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं, ईएमएफ को कंपेयर करते हैं कैसे, दूसरे सेल से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। और तीसरा क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि बेसिकली हमारे पास जो वोल्ट ये पोटेंशियोमीटर है इसका यूज रियल में क्या है, ये तो हमने कह दिया कि ये सब निकाला जाता है। पोटेंशियोमीटर है क्या, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके हेल्प से किसी भी सेल के ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, पोटेंशियोमीटर कहलाएगा, राइट। पोटेंशियोमीटर उसी तरह से है जैसे कि हम यूज जो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं और एमीटर यूज करते हैं करंट को कैलकुलेट करने के लिए, करंट के अमाउंट का पता लगाने के लिए, करंट के एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर है कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका यूज करके हम किसी ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली। और वोल्टमीटर का भी यूज करके हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पोटेंशियोमीटर का यूज थोड़ा सा एक्यूरेट के लिए होता है और वोल्टमीटर से हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं करते हैं कैलकुलेट, तो क्या वजह है, उससे पीछे एक वजह यह भी है बच्चों कि पोटेंशियोमीटर जिस वक्त ये यूज हो रहा होता है, सर्किट में लगा हुआ होता है, तो ये करंट को विड्रॉ नहीं करता है, करंट को नहीं लेता है, मतलब कि विदाउट टेकिंग एनी करंट इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ये टोटल नल डिफ्लेक्शन पर वर्क करता है, उसके मेथड पे बिना किसी करंट को लिए हुए ये वर्क करता है, ठीक। आइए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं और फिर हम आगे फिर पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल को, वर्किंग को और इसकी सेंसिटिविटी को और इसके एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, और ये जो तीन कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। ज़्यादा अगर वीडियो बड़ा होगा तो मैं इसके लेक्चर इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो बेहतर ये रहेगा कि हम जो आज पढ़ेंगे वो पोटेंशियोमीटर, इसके प्रिंसिपल को, इसके वर्किंग को और बाकी जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करके, और उस पर हम क्या करेंगे, हम उस पर हम एक दो क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आइए हम फिर से सिस्टमेटिक तौर पर उसके हम किसको लिखते हैं, उसके हम डिफिनेशन को लिखते हैं और उसके प्रिंसिपल को पर डिस्कस करते हैं। चलिए पोटेंशियोमीटर के डिफिनेशन पर हम आते हैं डिस्कस करने के लिए। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, क्या लिखेंगे बच्चों, एन अरेंजमेंट, डिवाइस नहीं लिखेगा, एन अरेंजमेंट which is used to find लिखेंगे या measure लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, measure and compare the EMF of cell in a circuit without taking any current, ठीक, is called potentiometer, ये इसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या कहता है, एन अरेंजमेंट विच इज यूज टू मेजर और कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल इन अ सर्किट विदाउट टेकिंग एनी करंट। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, विदाउट टेकिंग एनी करंट, कोई करंट नहीं ले रहा है, मतलब कि ऐसा ईमानदारी से काम कर रहा है जैसे कि हमने अपने घर में किसी ऐसे वर्कर को, एक स्टाफ को रख दिया जो बिना कुछ
कुछ किए हुए सिर्फ आपके आपकी आपकी बात पर और आपके ऑर्डर पे वो क्या करता है, उसको फॉलो करता है। इसी तरह का ये अरेंजमेंट है जो क्या करता है, करंट नहीं लेता है, सिर्फ मेजर करता है हाँ उसके पोटेंशियल डिफरेंस को और ईएमएफ को सर्किट के सर्किट में जो लगा हुआ हमारा क्या होगा सर्किट के मैं जो सेल लगा हुआ उसके ईएमएफ को कैलकुलेट करता है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। हकीकत क्या है कि पोटेंशियोमीटर की जगह पर हम लोग वोल्टमीटर भी यूज कर सकते थे, लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है वो करंट को खुद से होकर के जब उसके अंदर से करंट जाता है तो करंट का अमाउंट उसके अंदर क्या होगा कम होगा, करंट को क्या करता है लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा जो एग्जैक्टनेस है रीडिंग का जो एग्जैक्टनेस है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं वो मेजरमेंट हमारे क्या हो जाएगा कुछ एरर्स आ जाएंगे जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होगा। हकीकत यही है कि पोटेंशियोमीटर का यूज जो है वो हम लोग फिजिक्स के लैब में जो कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। बात तो ऐसे ही है कि जो एक वैल्यू होता है जो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है जो बुक में है। हकीकत यही है कि जो बुक में लिखा हुआ वैल्यू वो इनफैक्ट प्रैक्टिकल के दौरान स्टूडेंट को नहीं आता है जिसकी वजह से टेंशन होता है। जैसे कोई एक सिविल इंजीनियर के बारे में बात करते हैं, वो एक कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं किसी बिल्डिंग को का और जो उसके पास वो जो उनके पास प्लान है उस प्लान के अबाउट वो मेजर वो बनवा रहे बिल्डिंग को, तो क्या एग्जैक्टनेस में 0-0 पे वो बिल्डिंग खड़ी होगी क्या? बच्चों नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ तो उसके अंदर एरर्स प्लस माइनस 5% का दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसको टॉलरेंस कहते हैं। तो वो तो है बड़े लेवल पे, जब हम छोटे लेवल पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करेंगे हम वर्क करेंगे और लेबोरेटरी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। दूसरी बात है कि आम तौर पे हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं तो पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है, अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसकी वजह से उसको हर जगह ले जाना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं एवरेज वैल्यू के लिए हम वोल्टमीटर ले जाकर के उसको मेजर कर लेते हैं एप्रोप्रिएट वैल्यू को, राइट। आइए इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल के लिए हम ये जानेंगे सबसे पहले कि एक प्राइमरी सर्किट हम बनाते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि प्रिंसिपल क्या कहता है। आइए हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या इस पर हमारा वर्क होगा। एक्चुअली क्या है कि पोटेंशियोमीटर में लगभग जो है ना बुक में लिखता है कि 4 मीटर से लेकर के 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर के वायर को एडजस्ट किया जाता है। 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर के वायर को एडजस्ट किया जाता है। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सिर्फ एक ही वायर को हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा ए टर्मिनल है हाँ और ये हमारा बी टर्मिनल है, इसी पर हमारा वायर इस तरह से लपेटा हुआ है। तो हम एक को देखते हैं, एक वायर को देखते हैं। सपोज हमारा ए बी एक ये जो वायर है ये हकीकत में क्या है कौन सा वायर होता है बच्चों, ये मैग्नीन का यूज करते हैं, मैग्नीन का यूज करते हैं या नहीं तो इसके लिए कॉन्सेंटल का यूज करते हैं। बहुत सी बुक में इसके लिए लिखता है, बहुत से बुक में लिखता है कि इसका जो यूज करते हैं उसमें सिल्वर हाँ मतलब सिल्वर कौन सा जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर के बारे में बताया था। जर्मन सिल्वर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मैग्नीन लेना है या कॉन्स्टेंटन लेना है। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। जो मैग्नीन होता है वो और जो कॉन्स्टेंटन होता है वो, मैग्नीन में जो है लगभग जो है मतलब 84.2% क्या रहता है बच्चों कॉपर रहता है और उसके बाद जो है वो 12.8 जो है ना 12.1 जो है ना वो लगभग क्या है वो मैग्नीज है और जो है बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 3.7 वो क्या निकल है। इनफैक्ट क्या है ये मैग्नीन क्या है एलॉय है, मैग्नीन क्या है एलॉय है। उसी तरह से ये कॉन्स्टेंटन भी क्या है ये भी एक एलॉय है जिसमें क्या होता है जिसमें कॉपर और निकल दो मिला रहता है। कॉपर होगा हमारे पास 55% राइट, कॉपर 55% और बाकी बचा 45% क्या होगा वो निकल होगा। ये हमारा क्या है कॉन्स्टेंटन है। कॉन्स्टेंटन की जो खोज की गई थी ना सबसे पहले कॉन्स्टेंटन को 1892 में, जबकि मैग्नीन को जो किया गया था 1887 में हाँ 1887 में वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्या एडवर्ड वेटसन उन्होंने क्या किया था इसकी खोज की थी। और ये एलॉय है और इसी एलॉय का फर्स्ट यूज किया गया था। क्यों यूज किया गया था, व्हाई एलॉय यूज हियर, यहाँ पर जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीन का ही यूज क्यों करते हैं पोटेंशियोमीटर में और मीटर ब्रिज में, वो क्यों करते हैं क्योंकि एलॉय है, इसका जो रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी है
वो टेम्परेचर वेरिएशन वेरिएशन के हिसाब से क्या होता है, निग्लिजिबली क्या होता है बच्चों, वो वेरी करता है। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो मींस देयर आर नो इफेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस और टेम्परेचर टेम्परेचर वेरिएशन। मतलब क्या होगा कि एलॉय जो यूज करते हैं मैग्नीन का और कॉन्सेंटन का, जिसका जो है टेम्परेचर वेरिएशन पर उसका रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है लगभग ना के बराबर, और इसलिए हम इसका यूज क्या करते हैं इसके अंदर, हाँ हम जो यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर करते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए बात को। एक ही क्वेश्चन इससे बोर्ड का आएगा, इस बोर्ड के क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कि ये जो वायर यूज करते हैं वो मैग्नीन का और कॉन्सेंटन का क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि ये इसके अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, हम इसके अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया कि इसको सोर्स से जोड़ा गया। सपोज ये हमारा क्या है, एक ऑक्सिलरी सोर्स है, राइट। इसको क्या किया गया, एक ये हमारा रियोस्टेट है, रियोस्टेट किसको कहते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। रियोस्टेट एक ऐसा वेरिएबल इसके अंदर अमीटर लगा लेते हैं, राइट, कि हमें करंट का पता चलता है कितना करंट इसके अंदर आ रहा है। ये हमारा क्या, हमारे पास ये हमारा ऑक्सिलरी या उसी को स्पेसिफिक, हाँ क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड उसको सेल कहते हैं। इसका हमको कुछ नहीं निकालना, इस पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा गिवन है इसका सब कुछ। ये जो हमारे पास है ए बी जो हमारे पास वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे मालूम, इसकी लंबाई मालूम, इसकी रेसिस्टिविटी मालूम, इसका रेसिस्टेंस मालूम, राइट। ये जो हम वायर लेते हैं कैसा वायर लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए, राइट। और क्या होना चाहिए, एलॉय होना चाहिए जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, हाँ निग्लिजिबल हो, मतलब कि कम हो, जो वेरिएशन नहीं हो जिसका टेम्परेचर पर, राइट, जिसके हम रेसिस्टिविटी को जानते हो, जिसका रेसिस्टेंस नोन हो, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसमें एक सेल को ऐड करते हैं और इस सेल के साथ एक गलवानोमीटर होता है और गलवानोमीटर के साथ एक जॉकी लगा होता है। और जॉकी का काम तो जानते हैं, इससे पहले वाले में हमने बता दिया था कि जॉकी जो है वो क्या करता है, एक स्लाइडिंग कीज है, जैसे इधर से सप्लाई आने लगेगा, करंट आने लगेगा इससे, तो करंट को पाते ही एक तो इसके पास हमारा पास अपना सेल है, दूसरी बात ये सेल से जो करंट आ रहा है ये मिलने के बाद इसके अंदर क्या होगा, स्लाइडनेस होगा, क्योंकि हमने कहा कि पोटेंशियोमीटर उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि नल रिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। ये अपने उस पोजीशन को खोजने की कोशिश करता है जब इसका गलवानोमीटर का वैल्यू क्या हो जाए, गलवानोमीटर पर रीडिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, राइट। तब ये जाकर के क्या होगा, उसी तरह से होगा कि हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट से इसके डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, हम नल पॉइंट से इसके डिस्टेंस को यहां से यहां तक की लंबाई को क्या मानते हैं, सपोज हम एक्स मान लेते हैं या एल मान लेते हैं, जो भी मान सकते हैं मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अचानक से इस पर करंट डाले, अचानक से आगे गया तो गलवानोमीटर का रीडिंग क्या हुआ, लेफ्ट साइड आया, फिर क्या हुआ, करंट जैसे इसको मिला ये इधर से जाता हुआ क्या हो गया, गलवानोमीटर का रीडिंग डिफ्लेक्शन दाईं तरफ होने लगा। इसका मतलब क्या है, उसी बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जहां पर उसका जो डिफ्लेक्शन है वो नल डिफ्लेक्शन है, नल पॉइंट मिलेगा हमें। तो देख लीजिए यहाँ जो ईएमएफ होगा, इस सेल के ईएमएफ को हम ही कंसीडर करते हैं, राइट। इसमें दो सर्किट हमारे पास आ गया, एक सर्किट ये हमारा प्राइमरी सर्किट है और ये सर्किट हमारा सेकेंडरी सर्किट है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या करते हैं, तो हम सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, कि इसमें V इक्वल टू IR कितना क्या होगा, करंट बहेगा और कितना उसका रेसिस्टेंस होगा। V के बारे में जो बात करेंगे तो टोटल सप्लाई का करंट क्या आएगा, ये हम प्राइमरी अभी ये बात करेंगे किसके लिए बच्चों करेंगे, हम प्राइमरी सर्किट के लिए बात करते हैं, अभी हम सेकेंडरी यूज नहीं करते हैं, प्राइमरी सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी सर्किट में देखते हैं ऊपर वाले को सिर्फ देखेंगे इसको, ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे करंट इधर से सप्लाई होगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस है जिसका रेसिस्टेंस क्या लिए हुए हैं हम लोग, आर लिए हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे जाएगा हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होता जाएगा,
पोटेंशियल का ड्रॉप का मतलब समझ रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, लेंथ के साथ डिक्रीज करेगा। जैसे आप बहुत से रूम बनाए हुए साइड टू साइड में, जैसे करंट को पास करिएगा तो लेंथ जितना ज्यादा होगा, लंबाई जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल का ड्रॉप उतना होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जितना यहाँ से हमारे पास सप्लाई से करंट आया होगा। हमारे पास क्या बच्चों, यहाँ पर डी की जगह पर हम क्या कहेंगे, ई लिखेंगे। और आई आर का मतलब क्या, हमारे पास दो आर है, एक आर हमारे पास इसका आर है और दूसरा हमारे पास रियो स्टेट का आर है, आर एच। तो देखिए अगर आई का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, ई बाय आर प्लस आर एच होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर करंट का वैल्यू आया।